मुझे हैरत हुई, ये बात मेरे लिए दिलचस्पी थी और अनोखी भी, कि मेरा नाम मेरी अपनी हैसियत से हटकर किसी दूसरी हैसियत से दूसरे ममालिक में भी मौजूद है। इसका जरिया क्या था, ये बात मेरे जहन में नहीं आ सकी। बहरहाल इनसे गुफ्तगू करने के सिलसिले में मुझे मोहतात रहना था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आरबी साइड जेल का एक कैदी आप लोगों के लिए किस अंदाज में बायस दिलचस्पी होता है मैं नहीं जानता। डेविड मार्क कहकहा मार कर हंस पड़ा। दूसरे लोग भी मुस्कुराने लगे। डेविड मार्क ने कहा, ये कैदी हमारा निजात दहिंदा है, ये बात सिर्फ हम जानते हैं और दूसरे लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है। खैर, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी तक मैं खुद ये नहीं जान सका कि मुझे आप लोगों के लिए क्या करना है। हाँ, इसकी तफसीलात बताना आपको बेहद जरूरी है। आप बराए करम इत्मीनान से बैठ जाइए, इसके बाद हम आपको मुकम्मल तफसील बता देते हैं। हो सकता है कि ये तफसील आपके लिए काफी हो, लेकिन अगर हमारे लिए काफी होती तो शायद हम ही इस सिलसिले में अपनी सी कोशिश करते, इसलिए आपको खुसूसी तौर पर खिदमत करना होगी। मैं खामोशी से डेविड मार की सूरत देखता रहा, गालिबन अपने ख्यालात की नुमाइंदगी करने के लिए और तमाम तफसीलात बताने के लिए इस शख्स का इंतखाब किया गया था। डेविड मार कहने लगा, मामला एक ऐसी तंजीम का है जो बहुत कदीम है और जिसके सरबराह मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। इन सरबराहों के इंतखाब का क्या तरीका कार होता है, जाहिर है तंजीम से बाहर का कोई फर्द नहीं जान सकता, लेकिन इन सरबराहों में जो चंद नाम हमारे सामने आए हैं उनके बारे में ये अंदाजा हो चुका है कि वो इंतहाई खौफनाक हैसियत के मालिक थे। ये नहीं कह सकते कि इन सरबराहान का सिलसिला कब से शुरू हुआ, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि इनमें तीन अफराद ऐसे थे जो दूसरी जंग अजीम में ऐसे कारनामे सरंजाम दे चुके हैं जिन्हें खौफनाक तरीन कहा जा सकता है, जबकि 17,000 अफराद का वो कत्ल जिसमें उन्हें गढ़ों में जिंदा दबा दिया गया था, ये कारनामा एक शख्स के नाम से मंसूब है और ये शख्स भी इस तंजीम का सरबराह रह चुका है। या दूसरे और चंद अफराद, इनमें आपस में हंगामा खेजियां भी होती रहती हैं और सरबराह तब्दील करने के लिए साजिशें भी की जाती हैं। कभी ये साजिशें कामयाब हो जाती हैं, कभी 10-20 अफराद के कत्ल पर खत्म हो जाती हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों, फुटपाथों और मकानात में कत्ल कर दिए जाते हैं। तंजीम में कोई अफरा तफरी नहीं है, यानी इसके मकासद और जो आयन बनाया गया है काम उसी के तहत होता है। सरबराहान अपनी जाती कोशिशों में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन तंजीम को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। यह तंजीम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कारनामे सरंजाम देती है और जिस एक्शन के सपुर जो जिम्मेदारी की जाती है वो सिर्फ उसी की निगरानी करता है, बाकी मामलात से उसे कोई सरोकार नहीं होता। तंजीम का मौजूदा सरबराह कौन है इसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम। समझ रहे हैं ना आप मिस्टर जहांगीर जमाल शाह? जी मैं सुन रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। आप आ जाइए मिस्टर मिडस्कॉट। मिडस्कॉट इस तंजीम का गालिबन सेकंड आदमी है, यानी सरबराह के बाद जो इसके मुख्तलिफ असिस्टेंट होते हैं और जो सरबराह के नाम पर बड़े बड़े कारनामे सरंजाम देते हैं, मिडस्कॉट उन्हीं में से एक है। इसका सेक्शन जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन साहिब इख्तियार है और बहुत से लोगों पर हुकूमत करता है। क्यूबाना को इस सिलसिले में जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा वो ये थी कि क्यूबाना के रास्ते मंशियात की स्मगलिंग शुरू हो गई थी और ये उस तंजीम के तहत किया जा रहा था जिसमें इंतहाई मजबूत बुनियादों पर अपने लिए रास्ते बनाए जाते हैं। ये रास्ते क्यूबाना से गुजरते हैं और क्यूबाना में किसी खुफिया जगह हेडक्वार्टर बना लिया गया है। दुनिया के ऐसे चंद बड़े बड़े ममालिक को ये इत्तला मिली है कि क्यूबाना से मंशियात स्मगल होकर यूरोप में फैल रही है और अमरीका बराह रास्त इससे मुतासिर हो रहा है। हमें हिदायत की गयी, इसके साथ साथ ये पेशकशें भी की गयी कि हम इस स्मगलिंग को रोकने के लिए और क्यूबाना को मंशियात का हेडक्वार्टर बनने से रोकने के लिए भरपूर कोशिश करें, और इस सिलसिले में हमें उन ममालिक में अपने आदमियों की फराहमी भी की, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उनमें से कोई कामयाब ना हो सका। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे चंद ममालिक के बेहतरीन सीक्रेट एजेंट यहाँ पहुँचे और बिलआखिर उनकी लाशें हवाई जहाजों के जरिए उनके ममालिक को रवाना कर दी गयी, या फिर ये कि उनमें से कुछ गुमनाम मारे गए, यानी वो सब कुछ न हो सका जो उनका मकसद था। और इस सिलसिले में तीन ममालिक ने मिस्टर जहांगीर जमाल शाह आपका नाम पेश किया और आपके मुल्क को इखलाकी तौर पर मजबूर किया कि वो आपको यहाँ भेजकर इस सिलसिले में हमारी मदद करें। क्यूबाना पर यह जिम्मेदारी भी आयद की गई है कि मंशियात की रोकथाम के लिए ये फर्ज पूरा किया जाए, और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर क्यूबाना को बेशुमार मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा जिसमें उस पर इक्तसादी पाबंदियाँ भी शामिल हैं। ये आप समझ गए होंगे कि हम किस कदर मुश्किलों का शिकार हैं, और अगर इस मुश्किल में आपने हमारी मदद की और किसी तरह कम से कम बैन अल-अक़वामी तौर पर ना सही लेकिन मकामी तौर पर इस तंजीम का खात्मा कर दिया, तो यूँ समझ लीजिए कि हम आपके लिए दामे गुलाम बन जाएंगे। हमारे और आपके मुल्क के कुछ मफादात मुश्तरका हैं, उन मफादात के सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है और कोई बेहतर तरीका कार इख्तियार किया जा सकता है।
ذاتی طور پر آپ کو جو آسانیاں اور فائدے حاصل ہو سکتے ہیں تو حکومتیں کیوبانا ان کے سلسلے میں بھی پرہیز یا گریز نہیں کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہماری اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ سپرمین تو نہیں ہیں کہ جس کام کے لیے 17 سیکرٹ ایجنٹ اپنی زندگی گنوا چکے ہیں آپ اسے بآسانی سر انجام دے لیں۔ ہم اسے آپ کی تقدیر سمجھتے ہیں۔ ہماری کوشش بھی اس میں شامل تھی کہ ہمارے ہاتھ مڈس کاٹ لگ گیا۔ ہم نے اس سلسلے میں کسی قسم کے اعلان یا دعوے سے کام نہیں لیا بلکہ مڈس کاٹ کو نہایت خاموشی سے اپنی تحویل میں لے لیا، اور یہ بات ہمیں مکمل طور پر ثبوتوں کے ساتھ مل گئی کہ مڈس کاٹ ان سربراہان کا سیکن ہے، اور اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کیوبانا میں جو تنظیم کام کر رہی ہے ہو سکتا ہے مڈس کاٹ ہی ہینڈل کر رہا ہو۔ مڈس کاٹ کو خاموشی سے یہاں قید کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو اس کی جگہ دے دی جائے، اور اگر آپ اس سلسلے میں پسند کریں تو تنظیم میں مڈس کاٹ کی حیثیت سے شامل ہو جائیں۔ اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بین الاقوامی طور پر، لیکن کم از کم مقامی طور پر آپ اس تنظیم کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ آپ ہمارا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اور اب آپ کو اس بات کا علم بھی ہو گیا ہوگا کہ آر بی سائڈ جیل میں آپ کو کیوں زحمت دی گئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ہم آر بی سائڈ میں آپ کو مڈس کاٹ کی حیثیت سے رکھیں، کیونکہ اس بات کے مکمل امکانات ہیں کہ تنظیم کے افراد بالآخر اس بات کا پتہ لگا چکے ہوں گے کہ مڈس کاٹ آر بی سائڈ میں ہے۔ چونکہ یہاں بہتر قسم کے انتظامات ہیں اس لیے وہ یہاں داخل ہو کر آپ کی رہائی کا بندوبست تو نہیں کر سکتے، لیکن جیل کے احکامات کی نگاہ ایک ایک شخص پر ہے کہ کون باہر سے آیا ہے اور کس حیثیت کا مالک ہے۔ چنانچہ آپ کو رہا کرانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ مڈس کاٹ کی حیثیت سے خود بھی رہائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس میں آپ کی پوری پوری مدد کی جائے گی۔ تو مسٹر جہانگیر جمال شاہ، یہ ہے صورتحال۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے کہ آپ اس سلسلے میں کیا پسند فرمائیں گے۔ تمام تر تفصیلات میرے سامنے آ گئی ہیں مسٹر مارک، اور مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے وہی کرنا ہے جس کے خواہش مند آپ لوگ ہیں۔ چنانچہ چونکہ ابھی معاملہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا تھا مسٹر جہانگیر جمال شاہ کہ آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیں۔ آر بی سائڈ میں آپ کو آپ کی حکومت نے بھیج دیا ہے، اور اب یہاں سے آپ کو مڈس کاٹ کی حیثیت اختیار کر لینی ہے۔ باقی معاملات آپ کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔ چونکہ تمام تفصیلات آپ کے علم میں آ گئی ہیں، میں نے پر اطمینان انداز میں گردن ہلائی اور کہا، ٹھیک ہے، میں مڈس کاٹ کی شخصیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ تب ہمارے پاس ایسے شاندار فنکار موجود ہیں جو آپ کو ہو بہو مسٹر مڈس کاٹ بنا دیں گے۔ کچھ وقت آپ مڈس کاٹ کی حیثیت سے یہاں گزاریے، اور اس کے بعد جس طرح آپ پسند کریں میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ جسمانی طور پر آپ کو بالکل فٹ تصور کیا ہے، لیکن تھوڑا سا امتحان بھی مقصود ہے۔ ویسے مڈس کاٹ کے بارے میں آپ کو کچھ فلمیں بھی دکھا دی جائیں گی۔ ہمیں اس کے ماضی کی تو کچھ تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن جیل میں اس کا باقاعدہ جائزہ لیا جاتا رہا ہے، اور ہم نے اس کی حرکات و سکنات کی فلمیں بنائی ہیں۔ ویری گڈ، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ چنانچہ ان تمام معاملات کے طے ہونے کے بعد آئندہ 24 گھنٹے آپ کے لیے تربیتی گھنٹے ہوں گے، پھر اس میں اپنے آپ کو بالکل فٹ کر لیں۔ اس دوران آپ کا میک اپ بھی کر دیا جائے گا، اور پھر آخری لمحات کے بعد آپ کو آپ کی پسند پر چھوڑ دیا جائے گا کہ کس طرح آپ آگے عمل کرنا پسند کریں گے۔ ویسے آر بی سائڈ میں آج تک فرار کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ آر بی سائڈ سے کسی قیدی کے باقاعدہ فرار کی کہانی منظر عام پر آئے۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحات سوچنے کے بعد بولا، اور اب کیا مجھے واپس مڈس کاٹ کے پاس جانا ہوگا؟ نہیں، اب یہ مناسب نہیں ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے تک آپ کو یہاں تربیتی انداز میں گزارنے پڑیں گے۔ اور کچھ؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، لیکن مسٹر ڈیوڈ مارک نے شانے ہلا کر گردن جھکائی اور بولا، میرے خیال میں مزید کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ کیوں دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال اس نے اپنے ساتھیوں سے کیا تھا۔ ان سب نے بھی مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور اس گفتگو پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ڈیوڈ مارک نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں اب آپ ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے میک اپ کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں آرام کرنے کے لیے ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ وہی معمر عورت اندر داخل ہوئی اور اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، گویا آپ کا تمام معاملہ طے ہو گیا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس عورت کی حیثیت جانے بغیر میں اس سے کسی قسم کی گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی یہ بات محسوس کر لی اور بولی، میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کی آسائشوں کا خیال رکھوں، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دیجیے گا۔
मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। क्यों? वो मुझे देखती हुई बोली, बस क्या कहूँ, आप इतनी उम्र सीधा खातून है कि आपसे अपनी जरूरतों का इजहार भी नहीं कर सकता। वो हंस पड़ी और कहने लगी, हाँ वाकई ये सब कुछ बेहद मुश्किल है। वो रात आसानी से गुजर गई। 24 घंटे का वक्फा दिया गया था मुझे। पता नहीं इसका आगाज उसी वक्त से हो गया था जब डेविड मार्क वापस गया था, या बाद में कुछ वक्त शुरू होने के बाद से 24 घंटे गिने जाएंगे, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ये मुहिम मेरे लिए अभी तक इंतहाई बोर साबित हुई थी और मेरा इसमें कोई जाती दिलचस्पी का मसला पेश नहीं आया था। अलबत्ता सोचने के लिए बहुत कुछ था। मिड स्कॉट की शख्सियत मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं उसकी हैसियत से काम करते हुए जरा दिल में दुख सा महसूस कर रहा था, लेकिन बाज काम ऐसे भी होते हैं जो मर्जी के बिल्कुल खिलाफ करने पड़े। अब जब ये सब कुछ सर पर आ ही पड़ा था तो मुझे वो करना था जिसके लिए मुझसे कहा गया था। चुनाचे मैं अपने आप को तैयार करने लगा, नाश्ता वगैरह किया। दिन को 10 बजे दो अफराद मेरे पास आए। ये दोनों भी ऊंट की नस्ल से मालूम होते थे, लंबे लंबे कद, लंबी लंबी गर्दनें, खुश्क चेहरे, आंखों में वीरानी। पता नहीं कैसी शख्सियत थी इनकी। हाथों में इस किस्म के बैग उठाए हुए थे जैसे डॉक्टरों के पास हुआ करते हैं। मुझसे उन्होंने अलबत्ता निहायत नरमी से दरख्वास्त की कि वो मेरे चेहरे का मेकअप करना चाहते हैं। पता नहीं मिड स्कॉट उनकी आंखों में बसा हुआ था या उन्होंने उसका बहुत गहरा तज्जिया किया था। मैंने अब अपने आप को मेकअप के लिए पेश कर दिया तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक अंडरवेयर पहनने की इजाजत दी और मेरा बाकी जिस्म बरहना करा लिया, और इसके बाद मेकअप शुरू हो गया। एक अजीबोगरीब मेकअप था। बिलाशुबा इससे पहले भी इस किस्म के मामलात से वास्ता पड़ा था, लेकिन इस बार जो मेकअप हुआ था वो जरा बहुत ही मुनफरिद किस्म का था, जिसका आगाज पांव के नाखूनों से शुरू हुआ था, और अगर अंडरवेयर मौजूद ना होता तो शायद जिस्म का कोई हिस्सा उनके हाथों से महफूज ना रहता। उन्होंने मेरे जिस्म की रंगत तक तब्दील कर दी और मैं उनकी महारत की बिलाशुबा दाद दे रहा था। मेकअप का ये अंदाज निहायत पायदार था। इसका मकसद है कि वो लोग मुझे हर तरह से मोहतात रखना चाहते थे और मेरी हैसियत का तहफ्फुज करना भी। जिस्म के बाद वो गर्दन तक नीचे और फिर चेहरे पर आ गए। मुझे मुकम्मल तौर पर मिड स्कर्ट बना दिया गया और इसके बाद जब मैंने कदे आदम आईने में अपने आप को देखा तो आंखें बंद कर ली। दर हकीकत ये मेकअप का कमाल था और ये ऊंट ज्यादा इस सिलसिले में अपना सानी नहीं रखते थे। अगर इस वक्त मिड स्कॉट भी मुझे देख लेता तो हैरान होकर ये सोचता कि आईना उसके सामने रखा हुआ है। वो अपने काम से फारिग हो गए और फिर उन्होंने गर्दन खम करते हुए कहा, आप मुकम्मल हो चुके हैं मिस्टर। इस मेकअप को उतारने का तरीका क्या है अभी सिलसिले में आपको कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन बाद में आपको इसकी इत्तला भी मिल जाएगी। मतलब ये है मेरे भाइयों के अगर मुझे कभी जरूरत पेश आई मैं अपना ये मेकअप तब्दील कर दूं तो क्या मैं तुम लोगों को तलाश करता फिरूंगा? नहीं, बहरहाल हम इजाजत ले लें, उसके बाद आपको इस सिलसिले में इत्तला मिल जाएगी, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन झटकी। उन लोगों से किसी किस्म की बहस बेकार थी। इसके बाद मैंने लिबास पहन लिया। गोया मैं मुकम्मल तौर पर मिड स्कॉट बन चुका था। वैसे मजमुई तौर पर यह चेहरा बुरा नहीं था। मुझे मिड स्कॉट की शख्सियत पहले भी पसंद आई थी और कैफियत ऐसी नहीं थी कि मुझे इसके लिए अफसोस हो। यानी अगर ज्यादा अरसा मुझे इस मेकअप में रहना पड़े तो परेशानी की कोई बात नहीं थी। फिर मजीद कुछ देर गुजर गई। उसके बाद चंद अफराद दोबारा मेरे पास पहुंच गए। वो मुझे अपने साथ ले गए थे, गालिबन जेल ही का कोई हिस्सा था। उन्होंने मुझे एक बड़े से लंबे कमरे में बिठाया और उसके बाद एक प्रोजेक्टर पर फिल्म लगा दी। ये फिल्म मिड स्कॉट ही से मुतालिक थी और मुझे उसके एक एक हिस्से से रोशनास कराया जा रहा था। मिड स्कॉट के चलने का अंदाज, उसके कान की लोम रोड कर सोचने का अंदाज, बात करने का तरीका, हंसना मुस्कुराना, उठना बैठना, हर चीज मुझे बगौर दिखाई जा रही थी। मैंने इन तमाम चीजों को जहन नशीन कर लिया। 24 घंटों का आखिरी घंटा गुजरने वाला था। फिर मुझे एक बड़े से हाल में तलब किया गया। इस हाल का अंदाज भी बड़ा मखसूस था। मुझे हैरत हुई कि जेल में इन तमाम चीजों की जरूरत क्यों पेश आ गई, लेकिन सब कुछ यही हो रहा था। इमारत दर इमारत वहाँ पर उन्होंने ये सारे इंतजाम कर रखे थे। आरबी साइड जेल भर तौर मेरे लिए एक अनोखा तजर्बा थी और अगर कभी इसका तज़किरा किया जाता तो मैं बता सकता था कि आरबी साइड में बिलाशुबा वो तमाम इंतजाम किए गए हैं जो नाकाबले यकीन हैं। यहाँ मेरी अब मुलाकात तमाम लोगों से हुई जिनमें मिस्टर डेविड मार्क पेश थे। वो चारों अफराद भी मौजूद थे। इसके अलावा मैंने जिस शख्सियत को यहाँ देखा वो मिस्टर हुट की थी, यानी वो शख्स जो इस जेल में पहली बार मुझे मिला था। मिस्टर हुट अलबत्ता उन लोगों की निस्बत किसी कदर मुअद्दब नजर आते थे और इस वक्त उनके चेहरे का वो तीखापन गायब था जो मैंने इब्तदा में देखा था। वैसे उसकी अपनी शख्सियत यहाँ मौजूद तमाम ही अफराद पर बारी थी। मिस्टर डेविड मार्क ने मुझे देखकर कहका लगाते हुए कहा, अब समझ में नहीं आता कि हम आपको मिस्टर जहांगीर जमाल शाह कहकर पुकारें या मिस्टर मिड स्कॉट। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, यह बताया गया है हमें
ये रिपोर्ट दी गई है कि आप अपने तौर पर बिल्कुल फिट आदमी हैं और मिस्टर मिड्सकॉट अब ये जरूरी हो गया है कि आपको आपके असल नाम के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए। हमारे चंद उसूलों के मुताबिक आखिरी तजर्बा बाकी है, यानी आपकी जिस्मानी फिटनेस का अंदाजा। मिड्सकॉट बज़ाहिर एक आम सा आदमी है, लेकिन तंजीम का एक अहम ओहदेदार होने की हैसियत से उसके बारे में ये बताया गया है कि वो जिस्मानी तौर पर भी बहुत तंदरुस्त है और मार्शल आर्ट्स की महारत रखता है। इस महारत के बारे में ये तो नहीं पता चल सका कि किस हद तक है, लेकिन सुना यह गया है कि वो बेहतरीन लड़ाका भी है और ये अंदाजा उसकी गिरफ्तारी के वक्त हुआ था। हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर जहांगीर जमाल शाह कि इस किस्म के कामों में जिन लोगों को दाखिल किया जाता है उनमें जहनी सलाहियतें तो होती ही हैं, लेकिन उनकी जिस्मानी कुव्वतें भी बेमिसाल होती हैं। और यकीनी तौर पर आप जिस तरह जहनी कुव्वतों से माला माल हैं, इस तरह हमारे अंदाजे के मुताबिक जिस्मानी कुव्वतों में भी अपना सानी नहीं रखते होंगे। तहम क्या आप अपने आप को इस इम्तिहान के लिए पेश कर सकते हैं? मैं आपसे हर किस्म का ताउन करता रहा हूँ और इस छोटी सी बात पर आपसे इनहराफ नहीं करूँगा। तो फिर इन दो लड़कों को आपके लिए तैयार किया गया है, इनमें से आप एक एक से मुकाबला करेंगे और आपकी जिस्मानी फिटनेस का सही तौर पर जायजा ले लिया जाएगा। डेविड मार्क ने दो पस्ता कामत अफराद की जानिब इशारा किया जिनका ताल्लुक गालिबन अमेरिका से था। वो मार्शल आर्ट्स के लिबास पहने हुए थे, ब्लैक बेल्ट बंधी हुई थी और खासे चाको चौबंद नजर आते थे। दफातन ही मेरे जहन में एक शरारत जाग उठी थी। मैंने मिस्टर हुड की तरफ देखा। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मिस्टर हुड ने मुझसे ऐसी गुफ्तगू की थी जिसे सुनकर मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि मिस्टर हुड, मैंने आपका ये चैलेंज कबूल कर लिया है और इसका मुनासिब जवाब मैं आपको दूंगा। अब इस जेल से निकल ही गया तो मेरा वो चैलेंज अधूरा ही रह जाएगा। मैं मिस्टर हुड से दोबारा कहाँ मुलाकात कर सकूंगा? खुशकिस्मती ये हुई कि मिस्टर डेविड मार्क ने फौरन ही कहा, और अब आपका तारुफ मैं एक ऐसी शख्सियत से कराता हूँ जिसे आप पहले भी मिल चुके हैं मगर जरा मुख्तलिफ अंदाज में। ये मिस्टर हुड हैं, इस जेल का सरबरा, एक बाकायदा प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं और अब भी जब ये यहाँ से छुट्टियाँ लेते हैं तो इनका हेडक्वार्टर शिकागो होता है और शिकागो के रिंग इनके नाम से गूंजते हैं। ये वहाँ अपने बहुत से मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दिया करते हैं। इस वक्त आपके इस मुकाबले की निगरानी मिस्टर हुड ही करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए डेविड मार्क को और फिर मिस्टर हुड को देखा और कहा, जब मैं इस जेल में दाखिल हुआ था मिस्टर डेविड मार्क, तो मिस्टर हुड ने मुझसे कुछ बातें कही थी। इन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी कि अगर कोई यहाँ सरकशी की कोशिश करता है तो उसके साथ ये क्या सलूक करते हैं। मुझे इनकी धमकियाँ बड़ी दिलचस्प महसूस हुई थी, लेकिन उस वक्त चूँकि मेरी असल हैसियत वाज़े नहीं हुई थी इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की थी। अलबत्ता दिल ही दिल में मैंने ये सोचा था मिस्टर हुड, और ये मेरी ख्वाहिश है कि एक बार मेरा और आपका मुकाबला हो और मैं ये देखूं कि आपका अपने मद्द मुकाबिल को शिकस्त देने का क्या अंदाज है। चुनाचे अगर मेरी जिस्मानी फिटनेस का जायजा लेने के लिए इन दोनों के बजाय मिस्टर हुड को मौका दिया जाए तो मेरे लिए बायस खुशी होगा। मैं इनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने ढके छुपे अल्फाज में मिस्टर हुड को चैलेंज कर दिया था जिसे उस शख्स ने अपनी तोहिन के तौर पर महसूस किया था। डेविड मार्क ने अलबत्ता मुस्कुराती निगाहों से मिस्टर हुड को देखा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। उसने कहा, मैं इस गुफ्तगू को दिलचस्पी की निगाहों से देख रहा हूँ। बात वाकई दिलकश है मगर आपको इस सिलसिले में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मिस्टर जहांगीर जमाल शाह। क्या? मैंने सवाल किया। अगर आपको रेसलिंग से दिलचस्पी होती और आपने कभी बराह रास्त ना सही वीडियो फिल्मों पर मिस्टर हुड के मुकाबले देखे होते तो आप यकीनी तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार ना करते। जरा सी तफसील जानना चाहता हूँ। रिंग में उतरने के बाद या अपने मद्दे मुकाबिल के सामने आने के बाद मिस्टर हुड ये भूल जाते हैं कि उनका असल मनसब क्या है, इनकी हैसियत, इनकी शख्सियत क्या है। वो अपने नजरिए के मुताबिक जमाने कदीम के इंसान में तब्दील हो जाते हैं जो सिर्फ वहशियत और दरिंदगी करना जानता है और जिसकी दिली ख्वाहिश होती है कि अपने मद्दे मुकाबिल को हर तरह से शिकस्त दे दें। वो ये भूल जाते हैं कि फने कुश्ती के क्या क्या अंदाज होते हैं और इसमें कौन कौन से तरीकों को फाउल करार दिया जाता है। मिस्टर हुड एक फाउल रेसलर मशहूर हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है जनाब? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मिस्टर हुड, आप अपनी वजाहत खुद कीजिए, डेविड मार्क ने कहा। अपने मध्य मुकाबिल के सामने आने के बाद मैं ये नहीं सोचता कि वो कौन है और उसका अंदाज क्या है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल ना रहे, वो दोबारा किसी रिंग में ना जा सके और हमेशा ये याद रखे कि उसने हुड से मुकाबला किया था। इसका मकसद है कि ये मुकाबले ओरिजिनल होते होंगे और मुझे ओरिजिनल मुकाबले बहुत पसंद हैं। तो फिर ठीक है, मुझे चैलेंज किया गया है मिस्टर डेविड मार्क, और आप ये बात जानते हैं कि किसी चैलेंज को नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मिस्टर डेविड मार्क ने पुरतश्वीश अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, गो ये बात मेरे लिए खासी परेशान कुन है क्योंकि मैं मिस्टर जहांगीर जमाल शाह के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है।
मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, आप बराए करम अगर अपने फैसले पर नजर सानी करना चाहें तो कर लें। मैं मिस्टर हुड से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस चैलेंज को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अगर आप भी इस बात पर बजिद हैं तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि मैं खुद भी इस किस्म के मुकाबले देखने का शायक हूँ जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हो। मिस्टर हुड ने फौरन ही अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया था। वो दोनों अफराद जो मेरे लिए कुर्बानी के बकरों के तौर पर लाए गए थे पीछे हट गए। मैंने भी अपना लिबास उतार दिया था और इसके बाद हम दोनों दरमियान में आ गए। हुड की आंखों में आग जलती जा रही थी, उसका चेहरा भयानक होता जा रहा था और रफ्ता रफ्ता वो भूलता जा रहा था कि वो कहाँ है।